तो जी मेरे घर से लगभग 8 किलोमीटर दूर मैं आज जा रहा हूँ, जाऊँगी थी थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। तो आइए आपको चल के दिखाते हैं। के सामने आपको एक ऑटो वाला मिलेगा और आप उस ऑटो में बैठ कर काले आम पर जा सकते हैं। यहाँ से 2 किलोमीटर पड़ता है, ये मेन रोड है पानीपत से, जो गांव की तरफ जाता है और शामली की तरफ जाता है। और यहाँ पर आपको बस छोड़ेगी और अब हम पहुँच चुके हैं गेट पे। ये इंडियन फ्लैग। गाइस वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हो आप लोग, होप आप ठीक होंगे। तो आज मैं आपको लाया हूँ जाऊँ थी थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। तो आप गाड़ी या बाइक लेकर आए हैं तो बाहर भी खड़ी कर सकते हैं और अंदर भी आपको यहाँ पर पार्किंग मिल जाएगी, और इसके लिए आपको कोई पे नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल फ्री है। ये गेट जाता है दफ्तर की ओर, और ये गेट मॉडिफाई करवा रखा है पत्थर से। तो जी ये लड़ाई हुई थी 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, जिसमें मराठों की बुरी तरह हार हुई थी। महाराष्ट्र से आए थे मराठे और अहमद शाह अब्दाली था दिल्ली से, जो एक अफगानी था। इसी लड़ाई से ये तय होना था कि भाई हिंदुस्तान पर पूरी तरह से मराठों का एक क्षेत्र राज होगा या नहीं। और ये स्थान अब लाल पत्थर से मॉडिफाई करवा रखा है। और अब आपको ट्री के पास लेकर चलते हैं, काले आम के पास लेकर चलते हैं। और जी ये स्थान है वो जहाँ पर था आम और वो काला पड़ गया था, इसीलिए यहाँ बोला जाता है इसको काला आम। इस पर लिख भी रखी है भाई, द ब्लैक मैंगो ट्री नियर विच वाज फोर्ट द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत बिटवीन अहमद शाह अब्दाली एंड मराठाज। और नीचे उर्दू में लिखा है, बोला जाता है कि जो मराठे सैनिकों का खून था वो इस पेड़ के नीचे पड़कर लाल होकर फिर जमीन काली पड़ गई थी, तो इसीलिए इसको काला आम बोला जाता है। और यहाँ पर जो फसल थी वहाँ पर खून पड़कर भी काला पड़ गया था। मराठों की हार का कारण यूँ था भाई कि उनके पास थे तीर और अब्दाली की पास सेना के पास थे घोड़े और तलवार। मराठों के पास सैनिक ज़्यादा थे और अब्दाली की सेना के पास थे घोड़े और तलवार। तो सेनापति ने पता लगाया कि उनके पास तीर है और इस बात का फ़ायदा उठाकर वो उनके बिल्कुल नज़दीक चले गए और तलवार से उनको काट दिया। ज़्यादा सैनिक कुछ नहीं कर सकते ना हथियार के सामने, तो उनके पास तीर ही थे। तो ये बहुत बड़ा कारण था मराठों को हारने का। और यहाँ सामने लगी दीवार पर ये दर्शा भी रखा है इन्होंने एक मूर्ति लगाकर, इनके पास थे तीर और इनके पास थे हथियार बल्ले और तलवार। मराठों की हार का फायदा उठाया अंग्रेजों ने और धीरे धीरे उन्होंने अपनी हिंदुस्तान पर पकड़ बना ली थी। बच्चों को घुमाने के लिए अच्छी जगह है। और जी कन्फेंसरी दुकानें नहीं है यहाँ पर, अपना खाने का सामान पानीपत से या पीछे गांव से लेकर आए। और अगर आपको कच्चा आंवला खाना है तो उसके पेड़ भी मिल जाएंगे यहाँ पर। अंदर कुछ म्यूजियम वगैरह नहीं है, बस पार्क ही है, आप पार्क का आनंद उठा सकते हैं। अब तो बिल्कुल शांति है यहाँ पर, क्योंकि ये स्थान है जी बिल्कुल खेतों के बीच में, चारों ओर खेत है। और यहाँ पर घूमने के लिए आपको कोई टिकट नहीं लगेगी। सोलो ट्रैवल कर रहा है तो आपसे अनुरोध है कि आप अपना कुछ साधन लेके आए या फिर किसी से ही साइकिंग करके आप आ सकते। इस निमरी और उरा खेड़ी गांव पड़ता है, उससे लगभग 2 किलोमीटर दूर ये पड़ेगा आपको मेन पानीपत से गांव की तरफ एक सड़क जाती है, उस पर आपको ये पड़ेगा।